हेलो, आई एम आबिदा एंड वेलकम टू माय फ्लेवर्स। आज हम कॉटेज चीज यानी पनीर के पकोड़े बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी और क्रंची पनीर पकोड़ा रेसिपी है और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए जल्दी से इन क्रंची और स्पाइसी पनीर पकोड़ा रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पर उससे पहले, अगर अभी तक आपने माई फ्लेवर्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर शेयर करें। पनीर पकौड़ा बनाने के लिए हम एक बाउल में एक कप बेसन, आधा टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून होममेड गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून अमचूर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 टीस्पून तेल डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक स्मूथ और थिक कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेंगे। बैटर को कुछ देर तक अच्छे से फेंट लेंगे। पनीर पकौड़ों को क्रंची बनाने के लिए यहाँ मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज्यादा ब्रेड क्रम्स लिया है और उतनी ही क्वांटिटी का पोहा लिया है। इन दोनों को एक साथ मिक्सी में डालकर बारीक ग्राइंड कर लेंगे। और यह मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है, इसे मोटे और लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया है। आप इन्हें क्यूब्स में भी काट सकते हैं। अब सबसे पहले पनीर को बेसन के घोल में डिप कर देंगे और फिर इसे निकाल कर ब्रेड क्रम्स और पोहे के मिक्सचर से कोट कर लेंगे। कोटेड पनीर पीसेस को प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से सभी पनीर पीसेस को कोट करके प्लेट में रखते जाएंगे। अब गर्म तेल में कोटेड पनीर पीसेस को डालकर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। तले हुए पनीर पकौड़ों को एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे और इन पर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। तो लीजिए तैयार है हमारे क्रिस्पी और क्रंची पनीर पकौड़ा। इन्हें हरी चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व करें। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन हैव अ फ्लेवरफुल ईटिंग।